अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ये जी अगला ब्लॉग है, रात के 2 बज रहे थे और वैसा वो देखे टहलने लगे हुए हैं, नींद आ नहीं रही थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और मेरी ड्यूटी थी दाइम की। फिर जी सहरी का टाइम हो गया, मैंने लाइट जलाई और अभी हिना को मैं उठा रही थी, मैंने कहा उठ जा पुत्र। मैं जी सहरी करके सोती हूँ। आजकल रूटीन इस तरह की है कि पैकिंग होती रहती है, फिर सहरी में घंटा रह जाता है, मैं कहती हूँ क्या सो जाऊँ, फिर मुझसे शक्ल के साथ ना सहरी खाई नहीं जाती है, फ्रेश फ्रेश ही बंदा सही रहता है। सबसे पहले मैं हिना को उठाती हूँ, उसके बाद अम्मी उठी होती हैं, थजत पड़ रही होती हैं, पेड़े बनाने शुरू करती हूँ, चाय अम्मी रखती हैं, बाकी फिर सबसे पहले अम्मी अबू को रोटी बना देती हूँ, फिर वैस को एंड पर उठाती हूँ। वापस दूर चली जाओ। सुबह सहरी के बाद जी मैं सो गई थी, फिर अलार्म बजा और अलार्म की वजह से जी मेरा छोटा गुड्डा भी उठ गया और मुझे था कि मैंने अभी सोना है, मेरी बस सोई हुई थी, लेकिन फिर मैंने उठ के ईमान को तैयार किया, ईमान का लंच तैयार किया। आज मैंने ईमान के लंच में से नगेट्स ट्राई करके रख दिया और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, मैं कहा नगेट्स खा लेगी वापस आके उसको फिर मैं रोटी सालन खिला दूँगी। फिर जी इधर ईमान को बहुत खांसी आ रही थी, जब इसको छिड़ जाती है ना खांसी तो बहुत ही ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। फिर जी साथ साथ दाइम भी मेरे घूम फिर रहा था, ये देखें इसका ट्राउज़र नीचे की तरफ हुआ हुआ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसे खुद ही कर लिया। अब इसको सॉक्स भी उतारनी आ गई है, ट्राउज़र भी उतारना आ गया इसको, अब दुनिया जहाँ के पंगे आ गए, स्विच में उंगलियाँ देनी आ गई हैं ये बटन्स के अंदर, तो इतना इसका ख्याल रखना पड़ता है अब मुझे कि हर वक्त इस पर नज़र रखनी पड़ती है कि किसी भी स्विच में उंगली ना देते। कोशिश यही करती हूँ टेप लगा दूँ, या सारे स्विच ऊपर ही हैं, नीचे कोई है नहीं इसके हाथ तक, लेकिन फिर भी ना बच्चा कोई भी पुठा काम कर देता है। चलें जी अब ईमान को स्कूल छोड़ने चढ़ते हैं, दाइम भी साथ था, हिना भी साथ थी, ये जी वापस आ गए स्कूल छोड़ के। अब दाइम के नैपी चेंज करने का टाइम था, इसको नाश्ता कराने का टाइम था, फिर मैं सो गई थी, सो के उठी तो एक शूट था, मैंने जी तैयार शर हुई, नेल पॉलिश वगैरह लगाई और अपना शूट वगैरह कर लिया। ये जी शूट की लुक है, इंशाल्लाह ताला पिक्चर्स में शेयर करूँगी इंस्टाग्राम के ऊपर। अच्छा इतना मुश्किल होता है रमज़ान में बाल कर्ल्स करना, प्रॉपर हिम्मत चाहिए होती है, मेरी तो बस हो गई थी आज, तो मेरी बहुत ही बुरी हालत थी। फिर क्या हुआ जी, शूट कंप्लीट हो गया, फटाफट से जी मैंने अपने कंफर्टेबल से कपड़े पहने और अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। आज अब ऐसा मूड था ब्रेड रोल्स खाने का, मैंने कहा चले जी ब्रेड रोल्स बना देते हैं, आपको मेहनत थोड़ी सी लगती है लेकिन इन द एंड रिजल्ट बड़े मज़े के बनते हैं, फिर सुकून आ जाता है खा के। ये जी छोटी छोटी सी क्लिप्स में रिकॉर्ड करती रहती हूँ, दिन में तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, ये तो एक दिन का ब्लॉग नहीं होता क्योंकि इतने काम करने थे, नमाज कुरान बच्चे को देखना ठंडी रोटी करना, सो और छोटे छोटे काम निकलते आते निकलते आते हैं। ये जी चिकन की जो ब्रेड रोल्स की चिकन था ये रेडी हो गया था, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्रेड रोल्स रेडी हो कैसे लगेंगे, ये देखें जी ज़बरदस्त और बिल्कुल ऑयली नहीं होते ब्रेड के अंदर, बिल्कुल ऑयल नहीं जाता। जो लोग समझते हैं हम लोग डाइटिंग में नहीं खा सकते तो खाएँ, इसकी रेसिपी मेरे तड़का चैनल पर है। यहाँ जी ज़रा मेरी तबीयत बड़ी अपसेट हो गई थी, यहाँ पे जब मैं ज़्यादा सोचती हूँ काम का मेरे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है ना, मेरे कंधे दुखने शुरू हो जाए। दो लड़कियाँ कहती हैं ये ज़रा सुन लीजिए, अभी मेरे कंधे इतने दुख रहे थे मैं दुबाया, मुझे सुकून आ गया। मेरे कंधे ना पता कब दुखते हैं, जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोच लेती हूँ ना
सोचना इस तरह कि ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, इधर करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, इधर से ये करना है, इधर से वो करना है, तो ना मेरे कंधों पे इतना प्रेशर आ जाता है, इतना ज़्यादा कि मेरे कंधे शदीद दुखना शुरू हो जाते हैं। अभी दबाया है आसिया ने मुझे, आराम आराम से मुझे सुकून आ गया। मैं लेट गई थी, मैंने कहा अब हिम्मत नहीं है कुछ सोचने की, आंखें बंद करके ना थोड़ा लेट जाऊँ ताकि दिमाग से सब सोचे निकल जाए। और कभी कभी इंसान इस तरह होता है, इंसान ब्रेक मांग रहा होता है, जब ब्रेक मिल जाती है तो इंसान कहता है चलो अब तो कोई काम ही करने को नहीं, चलो ब्रेक चाहिए ही नहीं हमें, काम ही ठीक है, वेले नहीं इंसान से बैठा जाता, इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत सी लड़कियों के मैसेज आते हैं, आप या विदाउट टेंशन लिए, विदाउट सारा कुछ किए कितने स्मूथली काम कर लेती है। देखो, स्मूथली काम करने के लिए भी हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, और मुझे भी टेंशन होता है, मुझे भी थोड़ी सी एंजाइटी होती है कि मैंने कैसे काम करना है प्रॉपर। मैं पेपर वर्क करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, प्लान करती हूँ, जिस तरह मैं रात को सोते कहूँगी कि मैंने 8 बजे उठ के ये काम करने हैं, लेकिन मैंने 6 बजे उठ के काम करने हैं। मैं बच्चों के हिसाब से करती हूँ कि देखो बच्चे उठ जाते हैं, मुझे होता है कि मैं बच्चों को उठने से पहले काम कर लूँ, इमाम स्कूल है तब काम कर लूँ, या रात को बच्चे सो गए तब काम कर लूँ। टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है। मेरे पास कौन सा कोई जादू का चिराग है जिसको रगड़ूंगी काम हो जाएगा सारा। इसलिए ये ना सोचा करें कि मेरा हर का बहुत स्मूथली हो जाता है, आप लोग का नहीं होता, स्ट्रगल हर किसी को करनी पड़ती है। ये जी मैं साथ अफ्तारी बनाई थी, दाइम को अपने पास बिठाया हुआ था, मम्मा 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 लगा हुआ था। फिर मैंने कहा अफ्तारी से पहले दोनों बच्चों को खाना खिला दूँ, क्योंकि अफ्तारी के टाइम ये दोनों इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, आपकी सोच है। और तीसरा दिन है, दाइम खाना देख के मुँह खोलता रहता है, आ आ आ आ मम्मा आ आ आ आ, इसके मुँह में डालेंगे, और जनाब सब इन द एंड ये इतनी बड़ी सारी भुड़क करके उल्टी कर देता है। तो कल से मेरी तौबा, जो मैं इसको ना कुछ तो, ये मैंने इफ्तारी से पहले दोनों बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन फिर भी इफ्तारी के दौरान ये इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, सोच है कसम से मेरे को 10 चक्कर लगते हैं। अभी एक बाइट लूँगी किसी चीज़ की, एक ने रोना शुरू कर दिया, दूसरी बाइट लूँगी दोनों ने इकट्ठे रोना शुरू कर दिया। ब्रेड रोल्स जी इफ्तारी के लिए मैंने फ्राई कर लिए थे, बाकी इस टिश्यू में पहले निकाले, बाकी 2 रह गए थे। कल मैंने बनाया था रोस्ट, वो थोड़ा सा बच गया था, उसको मैंने फ्रेश कर लिया था। ये रोस्ट ऐसा है कि इतना मज़ा आता है खाने में, अगर डाइट पर लाजमी ट्राई करें। अभी ईमान के साथ मैं पंगे करती, पढ़ाई के वक्त इतना तंग करती है, जलील कर देती है पढ़ते वक्त। और पेपर किसने देने हैं? वो मम्मा ने। अच्छा, और सुबह स्कूल में पढ़ाई किस किसने करवानी है टीचर से? थोड़ा सा पढ़ ले, अब इजाजत है, हमने रोटी शोटी खा ली है, रोजा खुल गया। मैंने कुछ भी नहीं। आपने बेटा इतना कुछ खा लिया, अभी भी कसर है, तो हम डंडे ही पैने तेने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये नहीं खुलता, ये नहीं खुलता। पको पाला कर दो, पाला कर दो, पाला कर दो। अच्छे चलो आ गया। हाँ जी, ये देखो, बस बंद कर दो बेटा इसको, इसको नीचे लाओ, तो रख दो फिर बाइट चढ़ेगा। हाँ जी, ओ देखो, ओए इस तरफ ये ले जी, इस तरफ। पिछार पेपर से एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, दिखाओ। क्या सरप्राइज है? उनके लिए है। नाइम, आजो। हाँ जी। उसके बाद जी मैं 3 घंटे सो गई थी, मेरा बीपी बड़ा लो था, उठी थोड़ा फ्रेश हुई, चाय शाय पी, फिर मैंने कहा ज़रा ट्रेडमिल कर लेते हैं, ज़रा फ्रेश और हो जाऊँगी। फिर जी एज़ यूजुअल इन द एंड मेरा क्या होता है, पैकिंग टाइम होता है, ये भी पैकिंग शुरू होने वाली थी। कितने बजे तक पैकिंग होती है, कभी 2:30 तक होती है, कभी 3 o'clock तक होती है, डिपेंड के कितने ऑर्डर्स आए हैं। अभी जी सेटअप लग रहा था, पैकिंग होने वाली थी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।